हम सिर्फ दो बात उनसे जनता जानना चाहेगी, क्या आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपकी लड़ाई पप्पू यादव से चल रही है। कल ना तो आप एक बार बीजेपी के बारे में कभी चर्चा करते हैं, ना तो आप एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलते हैं। आप से पप्पू यादव, आपका मकसद पप्पू यादव को हराना है और एनडीए को जिताना है, और मकसद आपका क्या हो सकता है? जो बात आप करते हैं क्या पूर्णिया की जनता इसको जब दुनिया को देख रही है उसको जवाब देगी? मुझे मेरा मतलब सिर्फ पूर्णिया सीमांचल कोसी से है, उसके विकास से है। तेजस्वी जी को दो बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या किया, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट, कोई एक नौकरी आप अपने विभाग में दिए क्या? पांच विभाग आपका है तो उसमें आप बताना चाहिए आपको कितना नौकरी दी, उसमें सहरसा पूर्णिया के लोग हैं या नहीं है। उनको यह भी बताना चाहिए कि कोसी सीमांचल में वो 5 साल में कई बार आते हैं तो ना उनकी विकास पर कभी ध्यान रहती है, ना कोसी सीमांचल पूर्णिया में उनकी कोई भूमिका रहती है। वो सिर्फ पूर्णिया की जनता से इतना नफरत करो, यहाँ का चुनाव पप्पू यादव नहीं लड़े, मेरी औकात भी नहीं, यहाँ का चुनाव पूर्णिया की जनता लड़े। तेजस्वी जी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, हम ईडी सीबीआई पर नहीं जाएंगे, हम शहाबुद्दीन जी की पत्नी के बारे में नहीं पूछेंगे, हम पद्मनाथ भाई के बारे में नहीं पूछेंगे। अभी तक कांग्रेस के लिए एक जगह नहीं गए, उस पर भी हम नहीं पूछेंगे। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद चुनाव लड़ लिए, उस पर भी नहीं पूछेंगे। समझ गए ना? और हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो कौन थी, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस और ममता दीदी आमने सामने चुनाव लड़ रही है, बंगाल दोनों गठबंधन में है, तो ये किनको भी टीम कहेंगे, ममता दीदी को कि कांग्रेस? दूसरी बात, डी राजा की पत्नी सीपीआई राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान में लड़ रही, तो क्या राहुल जी ने कह दिया बीजेपी की बेटी? अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, क्या राहुल गांधी जी ने कह दी बेटी? तेजस्वी के सब आप कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। सर, अब ये हम ही पूछेंगे भैया? मैंने पहले ही कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, सीमांचल और कोसी का बेटा, इसका जवाब पूर्णिया की मिट्टी, मधेपुरा की मिट्टी जवाब देगा, और पूर्णिया के बेटे को मिट्टी में मिलाना ये शायद संभव है। पूर्णिया के बीजेपी टीम ने कहा है कि आपके बयान पर पलटवार किया है कि बीजेपी के कोई भी लोग आपके संपर्क में नहीं है, ऐसा कुछ आपने कहा है। सर, उससे हमको ख्याल नहीं मिल रहा है,
हम तो जानते हैं, हम इतना जानते हैं सभी धर्म सभी वर्ग सभी दल के लोग हमसे प्यार करते हैं और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त।